महानगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा पर अब सीसीटीवी कैमरा की नजर रहेगी। बता दें कि पिछली बार शहर में निकाला गया सीसीटीवी का ठेका विवादों में घिर गया था। 150 करोड़ रुपयों का सीसीटीवी का ठेका सीधे 271 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुका था, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व महापौर जयवंत सुतार द्वारा लगाया गया। शहर की गली, नुक्कड़, चौराहे पर 1500 सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया था, मगर जिस ठेके की राशि 150 करोड़ थी उसमें सीधे 125 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी होने से मनपा आयुक्त एवं अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई एवं आयुक्त को ये निविदा रद्द करनी पड़ी एवं नई निविदा मंगवानी पड़ी। नए सिरे से मंगवाए गए निविदा प्रक्रिया में कितने करोड़ की निविदाएं आएगी एवं इसमें कौन सी कंपनियां शामिल होगी, इस पर अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। सीसीटीवी कैमरा के लिए जो निविदा मंगवाई गई है उसमें हिस्सा लेने वाले कंपनियों ने पालिका से निविदा का अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा 10 दिन की मुदत बढ़ाकर 26 नवंबर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।